मेरे पास सामने कोई प्रत्याशी नहीं है तो कॉन्टेस्ट तो कब तब करूंगी जब कोई आएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी और उनके पति जुबिन ईरानी करोड़पति हैं। स्मृति ने पर्चा दाखिल के वक्त दिए गए एफिडेविट में अपने और पति की कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट अमेठी से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन कर चुकी हैं। अपने नामांकन पत्र के साथ एफिडेविट में स्मृति ईरानी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले अब उनकी संपत्ति कितना गुना बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान स्मृति ईरानी के पूरे परिवार की कुल संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी के परिवार की संपत्ति में करीब 6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक स्मृति ईरानी के पास 8,75,24,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पति जुबिन ईरानी के पास कुल 8,91,77,000 रुपए की संपत्ति है। नामांकन पत्र के दौरान दिए गए एफिडेविट में स्मृति ईरानी ने दिल्ली की बजाय अमेठी के मेदन बमई में बनवाए गए नए घर को अपने पते के रूप में दर्शाया है। पिछले महीने ही स्मृति ईरानी ने अपने नए घर का गृह प्रवेश किया था। स्मृति ने अपने नए घर में आने से पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया था, जिसमें उनके पति जुबिन ईरानी भी साथ थे। अब स्मृति ने इस नए घर को अपना पता बताया है और अमेठी के मकान को भी दर्शाया है। स्मृति ईरानी पर बैंक की देनदारी भी है, उन पर करीब 16.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2019 में दाखिल हलफनामे में उनके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं था। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने सोमवार को अमेठी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। इस एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल नकदी 1,08,740 रुपए है, वहीं उनके पति के पास कुल 3,21,700 रुपए की नकदी है। बैंक बैलेंस के रूप में स्मृति ईरानी के पास 25,48,497 रुपए हैं, जबकि पति के बैंक खाते में 39,39,898 रुपए जमा हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि स्मृति ईरानी के पास वाहन कितने हैं। तो स्मृति ईरानी के पास 28 लाख की कार है। जी हाँ, स्मृति ईरानी के पास जो कार है उसकी कीमत हलफनामे में करीब 27,86,000 रुपए आंकी गई है। वहीं उनके पति के पास जो कार है उसकी कीमत फिलहाल 4,70,172 रुपए आंकी गई है। स्मृति ईरानी के पास 37,48,440 रुपए के गहने हैं और उनके पति के पास 1,05,000 के गहने हैं। शिक्षा की बात की जाए तो स्मृति ईरानी ने हलफनामे में बताया है कि उन्होंने 1991 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की और 1993 में इंटर उत्तीर्ण किया। चुनावी हलफनामे में उन्होंने बताया कि बीकॉम के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में साल 2094 में दाखिला लिया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।